हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर के तमाम ऐसे राज्य जहां पर कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे रखी है। साथ ही हम आपको बताएंगे होली से पहले 7 दिनों के लिए किस प्रकार से तमाम चीज़ों को किया जा रहा है एक बार फिर से लॉकडाउन, क्या वजह है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र में किन किन जगहों पर होली से पहले लॉकडाउन लगाया जाएगा और मुंबई के किन इलाकों में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और क्या होली के लिए आपको स्पेशली छूट मिलेगा या फिर होली भी इस बार आपकी पिछले साल की तरह रह जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी खुशी मिलती है कि आपने हमारे काम को पसंद किया और हम आपके लिए ऐसे ही आगे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बात करते हैं सबसे बड़ी त्यौहार होली की। जी हाँ दोस्तों, 2021 में होली मनाने के लिए काफ़ी लोग उत्सुक हैं, लेकिन अभी भी इस पे संकट के बादल छाए हुए हैं क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार जो है इस बात को लेकर पुष्टि की जा रही है कि अगर हालात ठीक नहीं हुए तो होली से ठीक कुछ हफ्ते पहले यानी कम से कम एक हफ्ते पहले से ही लॉकडाउन को लगा दिया जाएगा ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकल सके। होली एक ऐसा त्यौहार है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रंग लगाते हैं, गले लगाते हैं, लेकिन कोविड जो वजह है कोविड की वो होता है संपर्क में आने से, यानी कि कोरोना की जो रफ्तार है वो ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा है और पूरे देश में अगर बात करें महाराष्ट्र की तो एक वो जो है मुख्य बिंदु बना हुआ है लगातार कोरोना का, क्योंकि पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से यहां पर 25,000 से ऊपर मामले आ चुके हैं। करीब 28,000 के करीब जो है यहां पे प्रतिदिन मामले निकलकर आ रहे हैं जो कि पूरे राज्य में जी हां सबसे ज़्यादा का कहीं है तो वो है मुंबई। मुंबई में अकेले जी हां 2,000 के करीब जो है मामले रोज निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से मुंबई के अलग अलग जगहों को हॉटस्पॉट में बदला गया है जी हाँ, ताकि इन जगहों को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए। मॉल में पूरी तरह से टेस्टिंग के लिए जो है रैपिड टेस्ट रखा गया है ताकि अगर मॉल्स में भीड़ इकट्ठा होती है और किसी को भी ऐसा लगता है उसे टेस्ट की जरूरत है तो उसे तुरंत रैपिड टेस्ट के द्वारा कोरोना का टेस्ट किया जा सकता है। सिनेमा हॉल्स में भी पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है। स्टेशनों पर एक नई मुहिम लगाई जा रही है। जहाँ दोस्तों रेलवे स्टेशनों पर भी टेस्टिंग की किट्स को बढ़ाई गई है ताकि जो लोग बाहर से आते हैं या फिर जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं मुंबई से या महाराष्ट्र से उन तमाम लोगों की टेस्टिंग की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर की जा सके ताकि लोग सुनिश्चित कर सके कि बाहर से तो कोरोना नहीं आ रहा है महाराष्ट्र और मुंबई में, इसलिए इन तमाम जगहों पे टेस्टिंग किट्स बढ़ाई जा रही है। और बात करते हैं अब लोकल ट्रेन की। लोकल ट्रेन को लेकर एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में जो है मनमुटाव हो चुका है क्योंकि लोग चाहते हैं कि लोकल बंद ना हो, लेकिन सरकार का मानना है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो लोकल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोकल में प्रतिदिन 51 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं करते जिसकी वजह से कोरोना की रफ्तार में तेजी हुई है। इसीलिए मुंबई में एकमात्र ऐसे शहर है जहां पे 2,000 के ऊपर मामले रजिस्टर हो रहे जबकि पंजाब, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य में पूरे राज्य में 2,000 के मामले नहीं पहुंच पाते जबकि मुंबई में अकेले 2,000 के ऊपर मामले रजिस्टर हो रहे हैं। मुंबई की अगर बात करें थाना में ऑलरेडी 13 जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, पनवेल में लगा दिया गया, पालघर के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया। अब बात करें मुंबई के मेन यानी कि धारावी में, धारावी में लगातार रोज प्रतिदिन 30 से 35 मामले रजिस्टर हो रहे हैं जिसकी वजह से एक बार फिर से बांद्रा के धारावी इलाके में लॉकडाउन की लगन जो है लगाने की बात की जा रही है और बीएमसी की तरफ से नोटिस आ गई है कि अगर हालात नहीं सही हुए आने वाले 1 या 2 दिन के भीतर तो फिर से मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और नाइट कर्फ्यू के बाद ही मुंबई में जो है पूरी तरह से यानी संपूर्ण लॉकडाउन की बात सोची जाएगी क्योंकि फिलहाल अभी भी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से बयान दिया है कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सक्षम है कोरोना से निपटने के लिए और पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाने के पक्ष में महाराष्ट्र सरकार अभी तक बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।